दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक समरी लेकर आए हैं, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। लेखक एक रिटायर सोल्जर था जो आगे चलकर एक बिजनेसमैन बन गया। इस बुक के आइडिया सच में बहुत इफेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में भी उतने ही काम के हैं। ये बुक एंशियंट बेबीलोन के बारे में है। इस बुक में मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल हैं। इन प्रिंसिपल्स को इस तरीके से समझाना ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ सके, ये ऑथर का मोटिव है। पहला प्रिंसिपल है, एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें। दूसरा प्रिंसिपल है, जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ सेविंग करें। तीसरा प्रिंसिपल है, आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ एंड स्टडी इनकम होती रहे। चौथा प्रिंसिपल है, उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की हेल्प लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस हो। पांचवा प्रिंसिपल है, खुद का घर लें जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सकें। छठा प्रिंसिपल है, रियलिस्टिक इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। सातवा प्रिंसिपल है, पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम भी इंक्रीज हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 का नाम है बेबीलोन का एक ऐतिहासिक स्केच। चैप्टर 2 का नाम है वो आदमी जिसे गोल्ड की डिजायर थी। ये चैप्टर बंशीर की स्टोरी से शुरू होता है, जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था, तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया जिसे बंशीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंशीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंशीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। कोबी ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट हुआ और दोनों पैसों की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उनके फुट स्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंची, तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो अरकत ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई यही एक्सेप्ट करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, पर यह बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है, और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पैसे से इंसान जो चाहे वो चीज कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। पैसे की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद उनके पास पैसा आना ही नहीं चाहता, पर यह बात नहीं है। सच तो यह है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लो जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि कम खर्चा करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर ही खर्च करें, और साथ ही लॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ ली हो। खैर जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं, उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है, और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना तिगुना कर सकते हैं। हमें बस इन रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करके तो जरूर बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 3, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंशीर और कोबी अरकत से मिले,
तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था, उसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी और कभी वो भी उनकी तरह गरीब ही था। उन दोनों ने शायद अरकत से ज़्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी अरकत ज़्यादा पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अलगामिश के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकद ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसे के बारे में अरकद ने जो सीखा था वो बंसीर और कोबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे जरूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें, और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सकें तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज़ करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है मगर इससे दौलत इकट्ठी नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकते हैं जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरी ये कि कैसे ढूंढें, जो कि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल भी हैं और यूजफुल भी। आगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो पैसा बनाने के लिए बड़े काम की चीज़ हैं। जो भी आप कमाएं उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद पे पे करना आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये पैसे जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये पे कर सके तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से आप पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हैं। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी एश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, इसलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। चैप्टर 4, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। इस चैप्टर में ऑथर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट्स शेयर किए हैं। ये 7 सीक्रेट्स हैं। पहला है, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप अपने 9 कॉइन से मैनेज करना सीख जाएंगे। दूसरा है, आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम हो लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्च कम ही करने होंगे। अपनी डिजायर को नीड से कन्फ्यूज ना करें। अपने मनी रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। तीसरा है, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें।
जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। चौथा है, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना भी खो बैठें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले दो बार अवश्य सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस भी जरूर लें। पांचवा है, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर लें। छठा है, हर किसी को प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लास्ट सेवन है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। चैप्टर 5, गुड लक की देवी से मिले। जो लोग सही अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाता है। गुड लक एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई चीज होती है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें लाइफ में मिलती हैं, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या कैरियर में गुड लक नहीं चाहिए, मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टाल मटोल करने की आदत के चलते लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज का फुल एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, हमें उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके। गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है, जो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो बेहतर है। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं जैसे हर चीज सिल्वर प्लेट में उनके सामने आ जाएगी, मगर ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा और ये एक मेहनत का काम होगा। चैप्टर 6, गोल्ड के 5 लॉज। यहाँ पर हम गोल्ड के 5 लॉज के बारे में बात करेंगे, जो इस तरह हैं। पहला है, जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है, वो अपनी और अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। नंबर दूसरा है, जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये बड़ी जल्दी और इंटेलिजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। नंबर तीसरा है, इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास ही गोल्ड रहता है। नंबर 4 है, जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। नंबर 5वां है, गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है, जो इसे ऐसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज करते हैं जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होते हैं। चैप्टर 7 है, बेबी लोन का गोल्ड लैंडर। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़े डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो जाती है। ये स्टोरी एक स्पेयर मेकर की है, जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पेयर्स बनाने होते हैं, तो स्पेयर मेकर रोदान एक मनी लैंडर के पास जाता है, जिसका नाम था माथोन। रोदान माथोन से मॉनिटरी एडवाइस लेना चाहता था, क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड अरमान के लिए कुछ पैसे चाहती थी, जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर माथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा, जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं, इस तरह करें कि वो आपके दोस्तों को कोई एहसान ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माथोन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है, जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वो फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था, तो उसने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है
जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया तो फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका दिया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो माथोन ने रोदान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है। एक बार माथोन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाएगा, अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रिपे ना कर सके तो। माथोन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि तीन टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वे जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वे जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं। और थर्ड टाइप के वे होते हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर्टी होती है और ना ही किसी तरह की पक्की इनकम का सोर्स। ये लोग लोन तो ले लेते हैं मगर कभी रिटर्न ही नहीं कर पाते, तो इन थर्ड टाइप के लोगों को भी कभी लोन नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, जैसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो माथोन उसे मना नहीं कर पाया। माथोन को ये आइडियाज पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। बेसिकली ये एक वाइज पर्पज था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर कर लें कि लोन लेने वाला आपका पैसा लौटा भी पाएगा कि नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा, इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रह जाए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान पहले रखें। इन दोनों स्टोरीज से हमें पहली सीख ये मिली कि दूसरों का बोझा अपने सर ना ढोएं, और दूसरी सीख ये कि अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए लोन पर पैसे देना एक बढ़िया आइडिया है। लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर यानी बेमतलब के लिए पैसे उधार देने से आपका लॉस भी हो सकता है। चैप्टर 8, बेबीलोन की दीवार, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिजायर का यह एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट का गार्ड था। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो यह है कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस सबसे पहले हमें खुद को शांत रखने की जरूरत है। चैप्टर 9, बेबीलोन का कैमल ट्रेडर। ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिश चुराकर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए वह भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकत था, एक दबासीर नाम का आदमी टकराया। दबासीर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी जमाने में वो अपने फादर के साथ उनके सैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ स्टाइल की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा डाला था। उसके सर पर उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। दबासीर तारकत को एक ढाबे में लेकर गया और उसको खाना पीना खिलाया। उसने तारकत को अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की जिंदगी जी रहा था और वहां से किस तरह से बचकर भाग गया था। फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपनी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले ही बहुत से गार्ड हैं, इसलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। और इस तरह सब कुछ लुटाकर गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और वो अब हर तरह से आजाद था। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। चैप्टर 10, बेबीलोन के क्ले टैबलेट्स। ये चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइड है। हर टैबलेट में दबासीर की स्टोरी और भी डिटेल्स में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दबासीर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा।
टैबलेट नंबर 1 में दबासीर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाया। जब वो बेबी लोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दबासीर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स भर देता था, फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा मंथ निकाल लेते। वो बाकी के बचे 2/10 से क्रेडिट्स के सारे कर्जे चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10 पर सेंट मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाकर देखता कि उसे कितनों को पैसे देने हैं या कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दबासीर ने एक्सेप्ट किया कि जब वो बेबी लोन में था तब उसने बड़ी बेवकूफी भरे काम किए थे। उसके कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते थे और कुछ रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनका पैसा चुका दे। मगर इस बार दबासीर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दबासीर ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है उससे उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी और वो जब एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रेस्पेक्टेड आदमी बन गया था। फिफ्थ टैबलेट में दबासीर ने कहा कि अब 12 महीने हो गए हैं और उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए हैं। अपनी अर्निंग का 2/10 स्प्लिट करके दबासीर ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसे देकर अपना सारा कर्जा उतार दिया था। चैप्टर 11 है बेबी लोन का सबसे किस्मत वाला आदमी। इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है शेरू नाडा, जो बेबी लोन का मर्चेंट प्रिंस था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज शेयर की और ये भी बताया कि कैसे उसे सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था। हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी दिन था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा या नहीं। सच बात तो ये है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसलिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। चैप्टर 12 है जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, बेबी लोन का हिस्टोरिक स्केच। बेबी लोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबी लोन सिटी एक ड्राई और फ्लैट वैली में है जहाँ खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उन्होंने ग्रेट सक्सेस अचीव की है। बेबी लोन की सारी वेल्थ और अमीरी मैन मेड है। इस समरी से हमने बहुत सी बातें सीखी, तो एक बार उन पर गौर करें हमने इससे क्या क्या सीखा। याद रखें, जो भी गोल्ड और मनी आपने हर मंथ की सेविंग से बचाया है एक दिन आपके लिए काम करेगा जैसे कोई स्लेव करता है, और पैसे से ही आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको जानना है कि अपनी अर्निंग कैसे सेव करें, इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करना शुरू करें। हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी इंक्रीज करते रहें। शॉर्टकट को कभी ना अपनाएं, तो ही आपके लिए बेटर होगा। याद रखें कि जो आराम से हाथ लगता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है, इसलिए हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले भाग कर उसे लपक लें। अपना पैसा सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेना कभी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।